बिहार के कई जिलों में शराब पीने से हुए मौत के बावजूद शराब पीने के केस बदस्तूर सामने आ रहे हैं। रात तो दूर, दिन के उजाले में ही शराब के नशे में धुत होकर शराबी सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। इसी कड़ी में फारबिसगंज के रामपुर दक्षिण उच्च माध्यमिक स्कूल में एक टीचर शराब पीकर तांडव मचाने लगा। हरिश्चंद्र मेहता नाम का टीचर नियमित तौर पर स्कूल पहुंचता था, लेकिन शराब के नशे में धुत रहना उसका शगल बन गया था। मेहता शराब के नशे में बच्चों के साथ ही स्कूल आने वाले अभिभावकों से बराबर बदतमीजी करता रहता था। जब कई बच्चों के अभिभावक स्कूल पहुंचे तो मेहता ने उनके साथ बदसलूकी करने लगा। हम जो स्कूल गए, अपना बच्चा हमारा 6-7 महीना से पढ़ रहा, तो उसे पूछने गए हम, तो मास्टर ने बोला कि नहीं, मारपीट नहीं कर रहे, ऐसे डरा रहे बच्चा सबके, तभी पढ़ेगा। उसके बाद दूसरा मास्टर लग जब गए हम लोग, दो चार लड़का मिल के, उसको कहने के लिए कि क्या पढ़ाते हैं, यहाँ से बच्चा पढ़ के जाता घर में जाता कुछ कहीं नहीं, तो मास्टर जो है बोला DM के लेकर आओ, उसके बाद हमसे गप करना, और वो शराब पी लेता। आप लोग उसको पुलिस के हवाले कर, क्या नाम था सर का? सर का नाम क्या था? हम लोग नहीं जानते सर, वो मास्टर जो हरेपुर के रहने वाले हैं। कितना क्लास में पढ़ता बच्चा आपका? बच्चा मेरा जो है 2 क्लास में पढ़ता है, उसी का हम जो लेने गए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद बबलू आलम। वहीं कई और लोगों ने नशेड़ी टीचर की हरकत की शिकायत फारबिसगंज थाने को दे दी। वहाँ पे शिक्षक अगर दारू पी के शिक्षा देगा तो कैसे होगा? जवान जवान लड़की है सर, उन लोग को क्या हाल होगा? तो बिहार में खुला दारू चलना चाहिए। जाओ पूछो DM से, कलेक्टर से पूछो, मुखिया से पूछो, सरपंच से पूछो, तो हम लोग को बच्चा को पढ़ाने के लिए उतना कुछ करना पड़ेगा सर, काहे के लिए पढ़ेगा? हम लोग गरीब आदमी हैं, पैसा है नहीं कि ट्यूशन पढ़ाएंगे, शिक्षक दारू पी के पैसा है नहीं कि ट्यूशन पढ़ाएंगे। अब ये लोग कहता है कि जाओ अपना बच्चा को ट्यूशन पढ़ाओ, तब पढ़ाई होगा, तब मिलेगा। हम लोग जाके बोले तो बोलता है DM को बोलाओ, DSP को बोलाओ, बोला आधार पे क्या क्या तुम लोग से बात नहीं करेंगे, उसके बाद पहले पब्लिक, उसके बाद DM DSP। वहीं शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंचे फारबिसगंज थाना अध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंद्र ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच की। जांच के बाद टीचर के शरीर में 95% अल्कोहल पाया गया। इसके बाद फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भी जांच कराई गई, यहां भी सरकारी टीचर के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। वहीं फारबिसगंज के DSP राम पुकार सिंह ने बताया कि स्कूल टीचर को गिरफ्तार कर अररिया मंडल कारा भेज दिया गया है। सिंह ने बताया कि इस बात का पता लगाया जा रहा है कि शिक्षक को शराब कहां से मिली थी। मेहता उनका नाम है, हरिपुर के रहने वाले हैं और रामपुर में स्कूल में वो सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत है। स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दिया गया था कि वो टीचर शराब का सेवन किए हुए हैं, उसी क्रम में उनको वहां से लाया गया है और जो शराब जाँचने वाला ब्रेथ एनालाइजर है उसे जाँच किया गया है, उसमें शराब 92 पुष्टि हुई है और उसको गिरफ्तार कर किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। उसे यह भी पूछा जा रहा है कि वो शराब का सेवन किए कहाँ से लाए हैं और उसके विक्रेता कौन है, और तत्पश्चात अग्रतर कार्रवाई की। शराब के नशे में टीचर हवालात पहुंच चुका है, हालांकि अपनी हरकत से इस टीचर ने अपने पेशे को कलंकित कर दिया है। पंजाब केसरी TV के लिए फारबिसगंज से विपुल विश्वास की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।